देखो मेरा गेहूं के आटा का पेड़ा कितनी सुंदर कितनी मुलायम हुई है कि खाने में तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ ये आटा की पेड़ा है। ऐसे आप देख रहे हो कि कितनी सुंदर बनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटा की पेड़ा। इसके लिए मैं थोड़ी सी आटा ली हूँ। ये खोवा है, ये चीनी है, ये दूध है, ये घी है, ये मलाई है, ये बुरादा है, काजू किशमिश बादाम नारियल की, ये इलायची पाउडर है। मैं कढ़ाही चढ़ा दी हूँ, कढ़ाही गर्म हो गई है। मैं इसमें घी डाल देती हूँ। दो चम्मच में घी डाली हूँ। अब इसी में मैं ये गेहूं की आटा डाल देती हूँ। गैस मैं धीमी करके रखी हूँ। अब इसको मैं भूनूंगी। अब मेरा एक गेहूं के आटा भूंज गई है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और दूसरे बर्तन में मैं निकालती हूँ। ये सारा मैं निकाल ली हूँ प्लेट में। फिर मैं वही कढ़ाही चढ़ा के लाइटर मार दी हूँ। अब उसी में मैं चाशनी करूंगी। इसी में मैं दूध डाल देती हूँ, ये चीनी डाल देती हूँ, ये इलायची पाउडर है, ये डाल देती हूँ। अब इसको मैं चाशनी करूंगी थोड़ा सा चिपचिपी। इसको मैं चलाते रहूंगी। ये चाशनी खोल गई है। अब इसी में मैं डाल देती हूँ, ये बुरादा है, ये बुरादा डाल देती हूँ, ये मलाई है, मलाई भी डाल देती हूँ। इसको मैं फिर चलाते रहूंगी। जब तक मेरा ये चिपचिपी नहीं होगा तब तक मैं चलाते रहूंगी। अब मेरा ये चाशनी चिपचिपी हो गई है। अब मैं इसमें खोवा डाल देती हूँ। अब इसको भी मैं मिलाऊंगी। अब ये देखो मेरा खोवा मिल गई है। अब मैं इसमें आटे डालूंगी। अब मैं इसको मिलाऊंगी। इतनी स्वाद के पेड़ा बनती है कि पता नहीं चलेगा कि गेहूं की आटा के पेड़ा है। देखो लग रही है ना एकदम मस्त। कोई नहीं कह सकता है कि ये गेहूं की आटा के है पेड़ा। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी सा मिलाऊंगी अच्छे से कि ठंडा हो जाए, फिर मैं पेड़ा बनाऊंगी। अब मैं इसको पेड़ा बनाऊंगी। अब इसको मैं तीन भाग में बांट देती हूँ। अब
मैं इसी से काट देती हूँ। इसी प्रकार मैं सारे बना लेती हूँ। अब मेरा ये सारा हो गई है, अब मैं इसमें एक डिजाइन डालूंगी। ये मेरा एक बोतल की ढक्कन है, इसमें पेरे पर ये थोड़ा सा मैं दबाऊंगी। इसी प्रकार मैं सारे पेरे को कर लेती हूँ। ये सारा मेरा हो गया, अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रखती हूँ। अब मैं थोड़ी सा पिस्ता बारीक काट ली हूँ और इसमें थोड़ी थोड़ी डालूंगी कि देखने में सुंदर लगे। ये गुलाब के फूल एक एक मैं डाल देती हूँ कि और खूब सुंदर अच्छा लगे। देखो मेरा गेहूं के आटा का पेड़ा कितनी सुंदर, कितनी मुलायम हुई है कि खाने में तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ ये आटा की पेड़ा है। ऐसे आप देख रहे हो कि कितनी सुंदर बनी है। अगर आपको गेहूं के आटा का पेड़ा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।